वर्तमान समय में कृषि को लाभकारी बनाने के लिए परंपरागत खेती के स्थान पर उन्नत खेती को अपनाने की आवश्यकता है। उन्नत खेती खेतीबाड़ी का बेहद सरल और किफायती तरीका है, जिसे अपनाकर किसान भाई न सिर्फ अपने धन, समय और संसाधनों की बचत कर सकते हैं, बल्कि अच्छी आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो खेतीबाड़ी करने के कई तरीके हो सकते हैं, मगर जब एक साथ मिलकर समूह में खेती की जाती है तो उसे सामूहिक खेती कहते हैं। सामूहिक खेती से जहां किसानों के धन, समय और संसाधनों की बचत होती है, तो वहीं खेतीबाड़ी का काम बहुत सुविधाजनक भी हो जाता है। सामूहिक खेती को अपनाकर किसान बाजार मांग के आधार पर अपनी फसल का चुनाव कर सकते हैं, जिससे उन्हें मंडी में अपनी उपज का अच्छा भाव प्राप्त हो सकता है। सामूहिक खेती में सदस्यों द्वारा फसल की योजना बनाना, समूह के सदस्यों को प्रशिक्षण देना, बीज, खाद और अन्य कृषि सामग्री खरीदना, सामूहिक नर्सरी तैयार करना, समय पर एक साथ खेत की तैयारी करना, एक साथ पौधारोपण या बुआई करना, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस को एक साथ अपने खेत में अपनाना, समूह की मीटिंग में उत्पाद का मूल्य तय करना, अपनी उपज को सामूहिक स्तर पर जोहार की मार्केटिंग टीम के सहयोग से बेचना तथा उत्पाद की पैदावार और उस पर हुए खर्च तथा उसे प्राप्त आय का रिकॉर्ड रखना जैसी क्रियाएं शामिल होती हैं। भारत में फूल गोभी एक लोकप्रिय सब्जी है और बड़ी संख्या में किसान इसकी खेती करते हैं। उन्नत खेती करने के लिए फूल गोभी विभिन्न अवस्थाओं में कुछ आवश्यक कृषि विधियों को अपनाना जरूरी होता है। यदि किसान खेती की इस उन्नत पद्धति को अपनाएं, तो निश्चित तौर पर उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। मिट्टी रहित बिछड़े या पौध तैयार करना। फूल गोभी की खेती के लिए मिट्टी रहित बिछड़े या पौध तैयार करने के लिए सबसे पहले पॉटिंग मिश्रण तैयार करना चाहिए। मिट्टी रहित पौध तैयार करने के लिए तीन प्रकार के पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, नारियल का बुरादा, वर्मिकुलाइट और पैरालाइट। अभी पोटिंग मिक्स हो गया है, अभी छेद करेंगे और छेद करके बीजा डालेंगे और छेद ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ट्रे में बीज की बुआई के बाद उसमें सिंचाई, पोषक तत्व एवं कीटनाशक और फफूंद नाशक का छिड़काव किया जाना चाहिए। बुआई के 25 से 30 दिनों में बिछड़े रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। 15 दिन का पौधा है जो अभी इसका जड़ अच्छा करके विकसित नहीं हुआ है और ये अगर मूल जमीन में लगाएंगे तो ये पौधा मरने का संभावना रहता है। तो ये 25 दिन का पौधा है जो अभी लगाने का टाइम आ गया, समय आ गया है और इसका जो जड़ है, जड़ चारों ओर बहुत अच्छा करके विकसित हुआ है। ये अभी लगाने मूल जमीन में अगर लगाएंगे तो ये पौधा मरेगा नहीं, क्योंकि इसका जड़ बहुत अच्छा करके विकसित हुआ है। बिछड़ों का उपचार या भिगाना। फूल गोभी की पौध को रस चूसक कीटों एवं आद्र गलन रोग से बचाने के लिए बिछड़ों को रोपाई से पहले कीटनाशक तथा फफूंद नाशक से उपचारित करना आवश्यक होता है। पौध को कीट से बचाने के लिए
मिथाइल मेथॉक्सेम या एक पारा की आधा ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और फफूंद से बचाने के लिए कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब या साफ को 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर बिचड़ों पर छिड़कना चाहिए। खेत की जुताई एवं तैयारी। किसी भी फसल की खेती से पहले खेत की तैयारी करना एक महत्वपूर्ण क्रिया है। खेत की तैयारी के लिए उसकी गहरी जुताई करना बहुत आवश्यक होता है। ऐसा करने से मिट्टी में मौजूद हानिकारक कीट जैसे प्यूपा और लार्वा भूमि की सतह पर आ जाते हैं और सूर्य की तेज धूप में स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। गहरी जुताई के बाद खेत में रोटावेटर चलाकर उसे समतल बना लेना चाहिए। फूल गोभी में प्रारंभिक उर्वरक का उपयोग। 30 डेसिमल क्षेत्र में फूल गोभी की खेती करने के लिए प्रारंभिक उर्वरक तैयार करने के लिए गोबर की खाद में 10 किलोग्राम डीएपी और 8 किलोग्राम पोटाश की मात्रा को अच्छी तरह मिलाकर उसका मिश्रण तैयार करें और रोपाई के दिन खेत में प्रत्येक गड्ढे में 300 ग्राम की दर से डालकर मिट्टी के साथ मिला दें और फिर बिचड़ों की रोपाई कर दें। लेकिन ध्यान रखें कि रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई आवश्यक होती है। फूल गोभी का पौधारोपण। बिचड़ों को उनकी वृद्धि के अनुसार 2 से 3 इंच की गहराई में रोपना चाहिए। रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें या झरने से पानी का छिड़काव करना आवश्यक होता है। किसी वजह से मृत हुए बिचड़ों से खाली हुई जगह पर 8 से 10 दिनों के भीतर नए बिचड़े लगा देने चाहिए। 30 डेसिमल क्षेत्र में फूल गोभी के बिचड़ों की संख्या 4,500 होनी चाहिए। खेत में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 2 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट रखनी चाहिए। मिट्टी में मौजूद नमी के आधार पर सिंचाई का निर्धारण। ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि फूल आने के समय और फली के विकसित होने के समय फूल गोभी के खेत में पानी की कमी ना होने पाए। ऐसा होने पर उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि किसान भाई खेत की मिट्टी में मौजूद नमी के आधार पर आसानी से उसमें सिंचाई का निर्धारण कर सकते हैं। कीट एवं रोग प्रबंधन। फूल गोभी के पौधों को कीट और रोगों से बचाने के लिए उसका प्रबंधन किया जाना बहुत आवश्यक होता है। रोपाई के 10 दिनों के बाद 60 लीटर पानी में 120 मिलीलीटर नीम के तेल को एक शैम्पू पाउच के साथ मिलाकर उसका छिड़काव किया जाना चाहिए। साथ ही फूल गोभी के पौध को रोग से बचाने के लिए 60 लीटर पानी में 60 ग्राम मैंकोजेब के घोल का छिड़काव अनिवार्य रूप से करना चाहिए और सफेद मक्खी जैसे कीटों से बचाव के लिए 4 पीले और 4 नीले स्टिकी ट्रैप लगाएं। 20 दिन बाद पौधों के बढ़ने पर कीट एवं रोग प्रबंधन की क्रिया को पुनः दोहराना चाहिए। थियोमेथोक्सेम एक कीटनाशक है जिसे आमतौर पर एक तारा 25WG के नाम से भी जाना जाता है। इस कीटनाशक को 30 ग्राम प्रति 60 लीटर पानी के साथ मिलाकर खेत में छिड़काव करें। इसके अलावा फफूंद से बचाव के लिए 60 लीटर पानी में 60 ग्राम कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब जो आमतौर पर साफ के नाम से भी जाना जाता है इन दोनों का छिड़काव करें। खरपतवार नियंत्रण। फसल के समुचित विकास और अच्छी पैदावार लेने के लिए खेत में खरपतवार नियंत्रण किया जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि खेतों में खरपतवार मुख्य फसल के साथ पोषक तत्वों, जल और सूर्य प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और मुख्य फसल को सीधा नुकसान पहुंचाते हैं।
इसके अलावा खरपतवार, बीमारी एवं कीटों के संरक्षण और बढ़ोतरी के लिए प्रमुख स्रोत होते हैं, इसलिए खेतों को खरपतवार मुक्त बनाने का सुझाव दिया जाता है। खरपतवार का नियंत्रण प्रमुख रूप से रोपाई से 30 दिनों तक करना अति आवश्यक होता है। हालांकि खरपतवार नियंत्रण के लिए रोपाई से 40 दिन बाद और 60 दिनों बाद की समय अवधि निर्धारित होती है, किंतु जब भी खेत में खरपतवार दिखाई दे तो उसे नष्ट करके खेत से दूर फेंक देना चाहिए। अगर खेत में घास की मात्रा अधिक हो तो चौथी निराई रोपाई से 80 दिनों बाद भी करनी चाहिए। मिट्टी चढ़ाना या जड़ों को मिट्टी से ढकना, ये एक प्रमुख प्रक्रिया है जिसमें खेत की मिट्टी को जड़ों के ऊपर चढ़ाया जाता है, जिससे जड़ों को स्वस्थ एवं अच्छा वातावरण मिल सके। ये प्रक्रिया खेतों में सिंचाई के समय जड़ों को जमीन से जोड़े रखती है। इस विधि से जड़ों में जरूरी नमी की मात्रा बनी रहती है। इस प्रक्रिया का सही समय रोपाई से 20 से 25 दिनों के बाद होता है। मिट्टी चढ़ाने के लिए छोटे कृषि यंत्र जैसे कुदाल या वीडर का ही प्रयोग करना चाहिए। फूल गोभी में उर्वरक का उपयोग या टॉप ड्रेसिंग। बुआई के 20 से 25 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग की क्रिया पूरी की जानी चाहिए, जिसमें DAP, यूरिया और पोटाश की निर्धारित मात्रा को मिलाकर मिश्रण तैयार करें और इस मिश्रण की 8 ग्राम मात्रा प्रत्येक पौधे में डालें। उर्वरक को पौधे से 3 से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर डालें। टॉप ड्रेसिंग करने से पहले खरपतवार को हटाकर खेत में सिंचाई करें और उसके पश्चात ही उर्वरक डालें। 40 दिनों के बाद पुनः पौधों में टॉप ड्रेसिंग की क्रिया दोहरानी चाहिए। रोपाई के 30 दिनों बाद कीट एवं रोग प्रबंधन। 30 दिन बाद फूल गोभी के पौधों को हानिकारक कीटों और रोगों से बचाने के लिए कीट एवं रोग प्रबंधन की क्रिया को पुनः दोहराना अनिवार्य होता है। इस बार 60 लीटर पानी में थाइमेथॉक्सेन या एक तारा 25WG की 30 ग्राम मात्रा का छिड़काव किया जाना जरूरी होता है। साथ ही क्लोरेंट नीलीपोल 18.5 SC की 20 मिलीलीटर मात्रा को प्रति 60 लीटर पानी के साथ मिलाकर खेत में छिड़कना चाहिए। इसके अलावा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50WP की 150 ग्राम मात्रा को प्रति 60 लीटर पानी के साथ मिलाकर खेत में छिड़कना चाहिए। खेत में हेलिल्यूर तथा स्पोडोल्यूर दोनों तरह के फेरोमोन ट्रैप निश्चित दूरी पर लगाने चाहिए। यदि हम फूल गोभी में हानिकारक कीटों की बात करें तो इस फसल में एफिड, सफेद मक्खी, स्पॉट पटेरा कीट, डायमंड बैग मॉथ जैसे खतरनाक कीटों का प्रकोप अधिक होता है, इसलिए अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए इन सभी कीटों और रोगों की पहचान करके समय पर इनका प्रबंधन किया जाना आवश्यक होता है। एफिड की अत्यधिक संख्या में उत्पत्ति होने के कारण ये कीट रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। इनसे चिपचिपा स्राव होता है तथा पौधों पर काली चींटियां दिखाई देने लगती हैं। पत्तों के निचले भाग पर अत्यधिक संख्या में चमकदार कीट दिखाई देते हैं और पत्ते भुरभुरा जैसे हो जाते हैं, जिसके कारण पौधे का विकास रुक जाता है। फूल गोभी पर सफेद मक्खी के प्रकोप से पत्ते बदरंग हो जाते हैं और उन पर पीले धब्बे पड़ जाते हैं। इसके अलावा पत्ते का पीला पड़ जाना, पत्ते का अंदर की तरफ मुड़ जाना और सूख जाना तथा उन पर काले रंग के मोल्ड्स का उत्पन्न हो जाना सफेद मक्खी से ग्रस्त पौधे के लक्षण होते हैं। स्पोडोप्टेरा कीट फूल गोभी को खासा नुकसान पहुंचा सकता है। इस कीट के नए लार्वा पत्तियों की ऊपरी सतह में मौजूद हरित लवक को खरोंच कर नष्ट कर देते हैं, जिस कारण पत्तियों पर किसी किसी स्थान पर धारियों का निर्माण हो जाता है। ये कीट
फूल और फल के बाहरी हिस्सों को खाते हैं। डीबीएम लार्वा या पिल्लू फूल गोभी पर आने वाला एक अन्य कीट है, जिससे इसकी फसल को बहुत क्षति होती है। ये पिल्लू पत्तियों की निचली सतह पर खाना शुरू करता है। नीचे का हरा पदार्थ खा लेने की वजह से पत्ती की ऊपरी सतह पर पतली कागज की तरह सफेद धब्बे दिखाई देने लगते हैं। पौधों पर कृषि रसायनों के प्रयोग में सावधानी। फसल को कीट और रोगों से बचाने के लिए कृषि रसायनों का प्रयोग किया जाता है। कृषि रसायन आमतौर पर जहर होते हैं, जिनके सीधे संपर्क में आने से मनुष्यों को गंभीर बीमारियां भी हो जाती हैं। इसलिए खेत में रसायनों के इस्तेमाल के दौरान कुछ विशेष सावधानियां बरतनी आवश्यक हैं। रसायनों के छिड़काव के दौरान कवरल या सुरक्षात्मक सूट, एप्रेन, जूते, दस्ताने, श्वसन यंत्र और चश्मे आदि का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से करना चाहिए। सभी कृषि रसायनों पर उनके प्रयोग के लिए प्रतीकात्मक सावधानियां चित्रित होती हैं, इसलिए उनके प्रयोग से पहले उनका अवलोकन कर लेना ठीक रहता है। फूल गोभी में उर्वरक का उपयोग या टॉप ड्रेसिंग। रोपाई के 45 दिनों के बाद टॉप ड्रेसिंग की क्रिया दोहराई जानी चाहिए, जिसमें 30 डेसिमल क्षेत्र में 8 किलोग्राम यूरिया की मात्रा को 2.5 ग्राम प्रति पौधा डालना चाहिए। पौधे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही उर्वरक प्रयोग करना चाहिए। उर्वरक देने से पहले निराई करें और देने के बाद सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। 45 दिन पर फूल गोभी में कीट एवं रोग प्रबंधन। जब पौधे 45 दिन के हो जाएं, तो एफिड, थ्रिप्स और पंपकिन बीटल जैसे कीट की रोकथाम के लिए 60 लीटर पानी में 60 मिलीलीटर मेलाथियोन का छिड़काव करना चाहिए। साथ ही पुराने स्टिकी ट्रैप को बदलकर 4 नए पीले और 4 नीले स्टिकी ट्रैप लगाने चाहिए। इसके अलावा फूल गोभी में सफेद मक्खी से बचाव के लिए फेरामोन ट्रैप लगाने चाहिए। हेलिकोवेरपा, स्पोरोप्टेरा और बीडीएम से बचाव के लिए 60 लीटर पानी में 10 ग्राम फ्लूबेंडामाइट का छिड़काव करना चाहिए। पत्तियों पर धब्बे या पाउडरी मिल्ड्यू जैसे रोग की रोकथाम के लिए 60 लीटर पानी में 150 ग्राम मैंकोजेब का छिड़काव किया जाना चाहिए। रस चूसक कीट का प्रबंधन। फूल गोभी की फसल को एफिड और सफेद मक्खी जैसे रस चूसक कीटों से बचाना बेहद आवश्यक है और समय समय पर इनका प्रबंधन करना जरूरी होता है। इसके लिए रोपने से पहले बिचड़ों को थाई मेथोक्सेम 25 WG की आधा ग्राम मात्रा को प्रति लीटर से भिगोना चाहिए। इसके अतिरिक्त 30 डेसिमल क्षेत्रफल में 4 पीले स्टिकी ट्रैप लगाने चाहिए। साथ ही 60 लीटर पानी में 120 मिलीलीटर नीम के तेल को एक शैम्पू पाउच के साथ मिलाकर या फिर थाई मेथोक्सेन की 30 ग्राम मात्रा या मेलाथियोन की 60 मिलीलीटर मात्रा का छिड़काव किया जाना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में कीट से प्रभावित पौधों को खेत से दूर ले जाकर नष्ट कर दें और खेत को खरपतवार से मुक्त करें। स्पोरोप्टेरा और बीडीएम जैसे कीट विशेष से बचाव के लिए प्रति 30 डेसिमल क्षेत्र में 2 फेरमन ट्रैप या ल्यूर लगाएं। इसके अतिरिक्त 60 लीटर पानी में 120 मिलीलीटर नीम का तेल या 20 मिलीलीटर क्लोरेंट नीलीपोल या 10 ग्राम फेम का छिड़काव करना चाहिए। फूल गोभी में रोग प्रबंधन। डाउनी मिल्ड्यू फूल गोभी में होने वाली एक मुख्य बीमारी है, जिसमें पत्तियों की शिराओं के बीच के भाग में पीले चौकोर या अनियमित आकार के धब्बे बनते हैं और बाद में पूरी पत्ती पीली हो जाती है। इसके अलावा इस रोग से ग्रस्त पत्ती की ऊपरी सतह पर पीले रंग के धब्बे बनते हैं। डाउनी मिल्ड्यू की रोकथाम के लिए खेत में जल जमाव न होने दें और अत्यधिक सिंचाई भी नहीं करनी चाहिए।
इस रोग से ग्रस्त खेत में 60 लीटर पानी में 120 मिलीलीटर पोसेटाइल एल्यूमिनियम या एलिएट का अथवा 150 मिलीलीटर मैंकोजेब का छिड़काव करना चाहिए। फूल गोभी में डाउनी मिल्ड्यू रोग के अलावा पाउडरी मिल्ड्यू भी पाया जाता है। पाउडरी मिल्ड्यू का प्रभाव सबसे पहले पत्तियों पर होता है और बाद में अन्य हरे भागों पर असर दिखाई देता है। इस रोग में पत्तियों के दोनों ओर तना तथा फलियों पर सफेद पाउडर के धब्बे दिखाई देते हैं। ये दोनों ही रोग फसल को बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए समय रहते इस रोग का प्रबंधन कर लेना चाहिए। डाउनी मिल्ड्यू की रोकथाम के लिए 60 लीटर पानी में 120 ग्राम सल्फर पाउडर का अथवा 120 ग्राम थायोविट के घोल का छिड़काव करना चाहिए। फल तथा पत्तियों के धब्बों का नियंत्रण। फूल गोभी की पत्तियों पर जीवाणु जनित धब्बों की रोकथाम के लिए ध्यान रखें कि पौधों पर ऊपर से सिंचाई ना करें। साथ ही रोपाई से पहले और फिर रोपने के बाद एजॉक्सट्रोबिन अथवा एमिस्टर का दो बार छिड़काव करें। इसके अलावा फूल गोभी की पत्तियों पर अल्टरनेरिया और सर्कोस्पोरा जनित धब्बों की रोकथाम के लिए खेत को खरपतवार मुक्त रखें। प्रभावित पौधों को खेत से उखाड़कर नष्ट कर दें तथा 60 लीटर पानी में 150 ग्राम मैंकोजेब मिलाकर छिड़काव करें। 60 दिन पर फूल गोभी में कीट एवं रोग प्रबंधन। पौधों की इस अवस्था में कीट एवं रोग प्रबंधन एक मुख्य क्रिया है। इस अवस्था में सभी प्रकार के रस चूसक कीटों और मकड़ी से बचाव के लिए 60 लीटर पानी में 30 मिलीलीटर स्पाइरोमेसिफेन या ओबेरोन का छिड़काव किया जाना चाहिए। हेलिकोवर्पा, स्पोडोप्टेरा या डीबीएम से सुरक्षा के लिए फेरोमोन ट्रैप्स के अंदर से पुराने ल्यूर को निकालकर नए ल्यूर डाल देने चाहिए। इसके अलावा पत्तियों के धब्बे एवं झुलसा रोग से बचाव के लिए 60 लीटर पानी में 120 मिलीग्राम पोसेटाइल एल्यूमिनियम या एलिएट का छिड़काव किया जाना चाहिए। आर्थिक सीमा ETL। आर्थिक सीमा कीट की आबादी या कीटों से होने वाले आर्थिक नुकसान का वो स्तर है जहां कीटनाशकों के प्रयोग का निर्णय लिया जाता है। जब फसल में कीट आर्थिक नुकसान की सीमा पार कर जाते हैं तभी उचित बचाव के उपाय करने चाहिए। तुड़ाई से पहले कीटनाशक के छिड़काव में अंतराल। रासायनिक कीटनाशक विषैले होते हैं और मानव स्वास्थ्य पर इनका बुरा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए हमें करेले की फसल की तुड़ाई से 5-7 दिन पूर्व कीटनाशकों का उपयोग अनिवार्य रूप से बंद कर देना चाहिए। फूल गोभी की तुड़ाई। सामान्य तौर पर खरीफ में फूल गोभी रोपाई के 60 से 70 दिनों के बाद तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। वैरायटी के आधार पर फूल की तुड़ाई पूरा आकार आते ही कर लेनी चाहिए। तुड़ाई के समय फूल कटा हुआ और सफेद तथा चिकना होना चाहिए। तुड़ाई में देर करने पर फूल ढीला हो जाता है और छितराया हुआ लगता है। फूल को थोड़ा सा तिरछा करके डंठल को तेज चाकू या हसुआ से काटना चाहिए। उसे घुमाकर या तड़का कर नहीं तोड़ना चाहिए। तुड़ाई के बाद फसल की अच्छी कीमत के लिए तुड़ाई के बाद फलों की ग्रेडिंग कर लेनी चाहिए तथा 2-3 बड़े पत्ते छोड़कर शेष पत्ते हटाने के बाद प्लास्टिक क्रेट में पैक करके सुदूर बाजार भेजना लाभकारी होता है। किसान भाई इस पैकेज ऑफ प्रैक्टिस का अनुसरण करते हुए यदि फूल गोभी की उन्नत खेती को अपनाएंगे
तो निश्चित रूप से उन्हें परंपरागत खेती की तुलना में अधिक लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही वो दूसरे किसान साथियों के समक्ष एक सर्वोत्तम उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकेंगे।